सरोकार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पार्टी छोड़ने के दिए संकेत। संकेत के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में मचेगी खलबली। सीएम भूपेश बोले, छत्तीसगढ़ के साथ हो रहा छलावा, राज्यपाल बिल पर ना दस्तखत कर रही है ना वापस। 179 पदों के लिए आज आवेदन की लास्ट डेट। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को दो शिफ्ट में होगी। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा कदम। कई युवक युवतियों ने बनाया जा रहा है निशाना। शिकायत मिलने के बाद एसपी कार्रवाई की कही बात। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। सरगुजा के मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में 4 नवजात शिशुओं की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 4 मंजिला मातु एवं शिशु चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा के लिए लगाए गए विशेष उपकरण यार्ड हाई ट्रेन को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया, मगर अस्पताल प्रबंधक को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसका खुलासा तब हुआ जब दमकल विभाग की टीम फायर ऑडिट के लिए अस्पताल पहुंचकर इसकी जांच की। जांच में पता चला कि अस्पताल परिसर में लगे यार्ड हाई ट्रेन चोरों ने पार कर दिया है। वहीं नए अधीक्षक आरसीआर ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है, जांच कर जो भी कमी होगी उसका जल्द सुधार किया जाएगा। ये फायर का ऑडिट है जो हर साल कराना पड़ता है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया के दौरान ही पत्र लिखा गया था उनको और वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे यहाँ पर। तो मेरी जानकारी में ये बात आई नहीं है कि वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद अब इंस्पेक्शन करके गए हैं तो जो भी वो रिपोर्ट हमको सौंपेंगे उसके अनुसार हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और ये मतलब नॉर्मल प्रक्रिया है ये कुछ। तो उसमें कुछ उपकरण चोरी की भी बात सामने आई है जो मौके पर देखने को मिला? हाँ, इसकी मुझे अभी कोई जानकारी। बलरामपुर के राजपुर राजस्व अंतर्गत सूचना विभाग में एसडीएम से प्रताड़ित होकर 2 महिला पटवारियों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। महिला पटवारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि एसडीएम के द्वारा देर रात तक महिला पटवारियों की बैठक ली जाती है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। साथ ही महिला पटवारियों ने एसडीएम पर 50,000 रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र में 8 साल के मासूम बच्चे को स्कूल जाते वक्त वैन ने टक्कर मार दी। तत्काल उसे आसपास के लोग और परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने कहा कि बच्चे के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि छात्र बीमा योजना के तहत छात्र के परिजनों को 1,00,000 रुपए की राशि सहायता के लिए जल्द दी जाएगी। छात्र जो है राजेश कुमार पैकरा, पिता संजीव कुमार पैकरा, कक्षा 2 का छात्र था। ये स्कूल से आश्रमशाला जा रहा था तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया। ये वाकया 9:15 का है। तुरंत इसको लखनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई है। आश्रमशाला में ही बच्चे वहाँ रह के पढ़ते हैं। चूँकि कल रविवार था तो रविवार के कारण वह पास में ही है उसका घर।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा फिर से गर्मा गया। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर का कांग्रेस अभी तक इंतजार कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल ने अभी तक इस विधेयक को अपने पास रोके रखा है। बता दें कि हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले के बाद ST SC और OBC के कोटे में कमी आई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार विधेयक बनाकर नई आरक्षण व्यवस्था लागू करना चाहती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता की। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कोयला, शराब और रेत का अवैध कारोबार चरम पर है। कांग्रेस के लोग कोयले में जमकर कमीशन खा रहे हैं। ईडी की छापेमारी से करोड़ों रुपए नकदी बरामद हो रही है। प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार किसी से छिपा नहीं है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिना किसी तैयारी के आरक्षण विधेयक पेश करना मुख्यमंत्री की हड़बड़ी को दिखाता है। कोरिया में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक युवक का समाज सेवा करते वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक काठगोड़ी जंगल की गुफा में बुजुर्गों को फल, सब्जी और कंबल बांटते दिखाई दे रहा है। युवक का सोशल अकाउंट खंगालने पर जानकारी मिली कि समाज सेवी रवि त्रिपाठी कई सालों से अपने पैसे से लोगों की सेवा कर रहा है। कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी युवक ने लोगों के घर घर तक राशन पहुँचाया था। 2016 से मैंने कंबल वितरण करने की शुरुआत की थी और ये प्रेरणा मुझे अभिनेता रजनीकांत जी से मिली है। साउथ के एक्टर हैं, वो अक्सर समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। लोग उनको भगवान की तरह वहाँ मानते हैं, तो भगवान की तरह बनने की तो मेरी अभिलाषा नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि हर किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर सकूँ। और उसके लिए जो मुझको घर से पैसे मिलते हैं उनसे मैं समाज सेवा करता हूँ। साथ ही मैं लोगों के कुछ लोग जो लोग सहयोग कोरबा के बालको में नवरात्र के समय हुए हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 7 से 6 आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन मृतक के परिजनों ने एक आरोपी को शहर में घूमते हुए देखा है। नाराज परिजनों ने SP ऑफिस का घेराव किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस उचित धाराओं पर भी केस दर्ज नहीं कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी में लापरवाही बरत रही है। के गवाही लड़के लोग बता रहे हैं, सबसे पहले वहाँ हुसैन खान चाकूबाजी किया है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। अभी तक उसको ना पकड़े हैं ना कंप्लेन लिखे हैं। इसके लिए हम लोग आए थे SP ऑफिस। बालको थाना जाते हैं तो आपको क्या बोला जाता है? कुछ नहीं, हुसैन खान था ही नहीं, लिंक बताओ ऐसा करके बोलता है वहाँ का परिवार जो इंस्पेक्टर है। वो महसूस होता है या लग रहा है हमें कि जो मृतक मेरा भांजा है सुमित किरण, उसको उचित न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि बालको थाना जब भी जा रहे हैं तो वहाँ इन लोग को बालको थाना से उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इनके कहने के अनुसार जितने और जैसे कि ST SC एक्ट धारा लगना चाहिए, वो धारा वगैरह नहीं लगा रहे हैं। कोरबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। उनकी मांग थी कि कलेक्टर दर उनको भुगतान किया जाए और अगर शासन उनकी मांग नहीं मानती है तो आगे रायपुर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 2 महीने से इन्होंने नोटिस दे के रखा था कि ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जब सरकार में नहीं आई थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ है इनका हम मानदेय बढ़ाते हुए जो कलेक्टर रेट पे हम भुगतान करेंगे, ये उन्होंने वादा किया था और उसी वादा को निभाने के लिए या वादा निभाव एक रैली आज हम लोगों ने यहाँ पर किया था और ये पूरे प्रदेश में आज पूरे आंदोलन चल रहा है। ये 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सभी जिला में काम बंद है और सभी जिला में जो आंदोलन है ये सर इनका, क्योंकि ये सभी मातृशक्ति है जो गांव से बिलोंग करती है और सरकार जिस तरीके से 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र में लेकर के जो वादा लेकर के जो इसका स्पष्ट बहुमत से जो आई
अपनी उस वादे को पूरा करने में पूरी तरीके से निष्फल रही है, इसलिए हम उनकी नैतिकता के आधार पर मातृशक्तियों को पीड़ा को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। आठ मांगों को लेकर यहाँ पे आज आंदोलनरत हैं। सबसे पहले हमारी मांग तो है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक 18,000 रुपये कार्यकर्ताओं को और 9,000 रुपये सहायिकाओं को दें। पिछले पहले सरकार जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो जब सत्ता में नहीं थी तब हम लोगों से वादा किया था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो सरकारी कर्मचारी घोषित करूंगा और कलेक्टर दर पर मानदेय दूंगा, लेकिन सत्ता को 4 वर्ष पूर्ण होने को है, अभी तक कोई पहल नहीं है शासन की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं। जांजगीर चांपा के तिलाई गांव में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। यहां ननकी राम यादव पर राम नरेश चंद्रा और उनके परिवार के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं के साथ भी मारपीट की। इस घटना की शिकायत करने पीड़ित परिवार के साथ गांव के सरपंच जांजगीर सिटी कोतवाली पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत ले ली है और मामले की जांच में शुरू कर दी है। जी रहते हैं वहीं पास ननके यादव जी का भी घर है, उनसे लगा हुआ शासकीय भूमि है, उस भूमि के कब्जे को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद है। इस संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश जारी किया था, स्थगन आदेश, उपरांत दोनों पक्षों में विवाद हुआ था जिस पर से मारपीट हो गए थे। इस संबंध में उभय पक्षों की रिपोर्ट पर से थाना जांजगीर में ससुर के हाथ के बेजा कब्जाए हो, राम नरेश अभी खरीदे है जमीन हमारे पाछू में, अब वह हमारे टारा टारा कह के वह हमारे लड़ा थे, अब आज हम उनके घरों लो कर के लटोर दी तार काटर उन्हें तिहू लटोर दे है सब ट्रैक्टर चला के हम मन के दोनों जन के ऊपर में ट्रैक्टर चला रही, गांव के आदमी मन देखी ते मारी तार बेरे दोनों जन ला के कही से मैं आकर घर को तोड़ रहा था, हम लोग मना करने गया तो और हम लोग को ट्रैक्टर में दबा दिया। दबाने के बाद तो गांव के आदमी लोग बोला कि अरे तो मार दार काम मान लो कह के तो गाड़ी थोड़ा सा आगे किया तो हम वहाँ लोग गाड़ी से कूद के हम लोग को मारपीट लगाने लग गया। हाँ थाना में अभी आग शिकायत करें हैं और पहले के आओ हर कई बार ले हम लोग झगड़ा कर चुके हैं। जांजगीर चांपा में नौकरी दिलाने के नाम पर कई महीनों से गोरख धंधा चल रहा है। आसपास के जिलों में युवतियों और युवकों को फोन कॉल करके सरकारी नौकरी का झांसा देकर बुलाते हैं और नौकरी देने के नाम पर 20,000 से 25,000 की डिमांड करते हैं। बाद में उन्हें सेल बॉय बना दिया जाता है। मामला दर्ज कराए जाने के बाद भी थाना प्रभारी पर कोई भी कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। इसी मामले में बलौदा बाजार एवं जांजगीर चांपा जिले की आशा कुमार और कंचन ज्योति कुमार नाम की युवतियों ने एसपी कार्यालय व कोतवाली जाकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद एसपी विजय अग्रवाल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हम लोगों को सर मतलब नौकरी के नाम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नाम से पैसा लिया गया है। मैं 21,300 रुपया दी हूँ और वहाँ बाद में ट्रेनिंग होते हुए पता चला कि यहाँ प्रोडक्ट बेचना है, ये नौकरी वोकरी कोई नहीं है, कोई प्रकार का नौकरी नहीं है यहाँ, ऐसे कर पता चला। शिकायत की गई है जिसमें दो प्राइवेट लोगों द्वारा नौकरी के नाम पे ठगी की शिकायत की गई है। उनके द्वारा किसी कंपनी का नाम लेके शिकायत नहीं की गई है, व्यक्तियों का नाम लेके शिकायत की गई है, इसकी जाँच की जा रही है। विधिवत बलरामपुर के राजपुर फॉरेस्ट विभाग के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी रही, जिसके समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मंच पर भाजपा कांग्रेस एक साथ बैठे हुए नजर आए। कांग्रेस की तरफ से जिला पंचायत सदस्य अनीता लालसाय मिंज और भाजपा की ओर से पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा और जिला पंचायत सदस्य उद्धेश्वरी पैकरा ने अपना समर्थन दिया। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मांग जायज है, कांग्रेस केवल घोषणा करना जानती है, वादा पूरा नहीं करती। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग जरूर पूरी करेंगे। आश्वासन दिया गया है कि अगर भाजपा का सरकार आता है तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी मांगों पे ध्यान
आकर्षित किया जाएगा, ऐसे उद्धेश्वरी पैकरा जी बोली है। अब हम तो भरोसा विश्वास ही कर सकते हैं। और आज हम लोग का धरना का छठवां दिन है, होने वाली है। हम अपने हौसला में अटल हैं, है ना। और क्या बोलते आज इस मंच के माध्यम से पक्ष विपक्ष वाले जितने भी हौसला बढ़ाने के लिए आए थे उनका तहे दिल से आभार है। और उनको हमारा मांगों को उन्होंने सुना, हमारे दुखों में सहानुभूति दिखाए। इसे मांग कर रहे हैं, आज पहली बार इन लोगों ने हड़ताल में नहीं बैठा है, इससे पहले भी कई बार हड़ताल में बैठे हैं। और इनकी जो मांग है वो जायज बात है, हमेशा इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के बैठी है। शासन प्रशासन द्वारा आश्वासन रस मिलता है, इनको कोई जो मांग रहता है उसका सही इनको फायदा नहीं मिल पाता है। इसी उस समय हमारा हुआ करता था, तो ऐसा कोई कहा जाए दिव्यंग था, उनकी सरकार के पास 15 साल रहे, 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। वर्तमान में अपने कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और इस बात को जो सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जो मांग है वो जायज मांग है, उनके लिए माननीय पीएस सिंहदेव से इससे भी कल बात करते हुए। अंबिकापुर में भालू के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक घर से मवेशी चराने गया था, इस दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद घायल युवक की किसी तरह घर पहुंचाया गया, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए ले गए, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।